को तस्वीरें दिखाते हैं, जयपुर से तस्वीरें हैं। ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। जिसमें सभी लोग जिनकी जो जो क्षमताएं हैं उनके आधार पर कनेक्ट हो, क्योंकि जैन समाज हमेशा भगवान महावीर के विचारों से ओतप्रोत रहा है, इसलिए अपने व्यापार उद्योग अपने जीवन में हमेशा नैतिकता और सत्य का मार्ग चले और लंबे समय चले, उसके कारण उनकी ट्रेड और व्यापार में एक प्रतिष्ठा बनी और प्रतिष्ठा से उन्होंने एक समाज को कनेक्ट करने का काम किया। जीतो ने इसी तरीके से समाज के लोग अलग अलग ट्रेड व्यापार में काम करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं था, उन्होंने एक कनेक्शन करने का काम किया, जोड़ने का काम किया कि हमारे व्यापार, हमारे उद्योग, हमारे इंडस्ट्रीज में आने वाली समस्याएं, चुनौतियों को हम किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पद्धतियों से, साझे प्रयासों से, साझे अनुभव से और बेहतर परिणाम समाज को दे सकते हैं। और उन्होंने उस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को आपस में कनेक्ट किया, जोड़ा और आज एक ऐसा संगठन खड़ा हो चुका है जो केवल जीतों के सदस्यों को नहीं, इस देश के अंदर आर्थिक व्यापार के नए नैतिक रास्ते पर चलते हुए कैसे हम आगे व्यापार इंडस्ट्रीज कर सकते हैं उसकी दिशा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मूल जीवन व्यक्ति के निर्माण से लेकर उसके सर्वांगीण विकास में शिक्षा का महत्व है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी कार्य संस्कृति व्यापार की, इंडस्ट्रीज की है, लेकिन इस समाज में पढ़ने वाला व्यक्ति भी नीतियां बनाने में, कानून बनाने में, शासन में भागीदारी में, उसमें भी हमारा नौजवान हो उस नैतिक कार्य संस्कृति को डेवलप करे, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, आज देश में चले जाएं भगवान महावीर जी के नाम से कितने विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं जहां पर नैतिक शिक्षा दी जाती है, संस्कारी शिक्षा दी जाती है, संस्कारी विचार दिए जाते हैं, जहां आजादी के पहले भी उन्होंने माना था कि व्यक्ति के जीवन में और आजादी की लड़ाई लड़ने में समाज को शिक्षित होना चाहिए और उन्होंने शिक्षा के केंद्र खोलकर जनता के सहयोग से, आपसी भागीदारी से उन दूर दराज के इलाकों के अंदर शिक्षा के केंद्र खोले। आज कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एक प्रतिष्ठित शिक्षा के केंद्र बन चुके हैं और उसके बाद आपने माना कि प्रशासनिक सेवाओं के